رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हम इंशाल्लाह ताला स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। हम ये देखते हैं कि जब हम लाइफ में कोई काम करने जा रहे होते हैं और वहां पर हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं और उन चैलेंजेस में से कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और कुछ जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ जो है वो फिर हमारे जो कंट्रोल से बाहर होती है वो हमें स्ट्रेस देने लगती है। जी तो देखिए, गलतियां तो इंसानों से होती हैं और ये लाइफ का पार्ट है, और कुछ चीज़ें जो है वो हमारी मर्जी के अगेंस्ट भी होती रहती हैं। तो अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जो हमारी मर्जी के अगेंस्ट हो जाती है, तो फिर हम क्या उस काम को छोड़ दें या हम जो है वो उसको अच्छे से जो है वो लेते रहें, उसको उसको आगे कंटिन्यू करते रहें। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी माइनर माइनर जो हमारे इर्द गिर्द चीज होती हैं उन पर फोकस हटाकर और हम अपने बड़े विजन की तरफ जो है वो अपनी नजर को रखें और उन फायदों को सोचें जो हमारे सामने जो है वो मौजूद है। चलिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक छोटा सा वाकया आपके सामने शेयर करती हूँ। एक दफा एक घोड़ा जो है वो बड़े गहरे गड्ढे में जा गिरता है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है, और घोड़े का जो मालिक होता है वो किसान होता है और किनारे पर खड़े होकर बड़ा परेशान हो रहा होता है और तरकीबें सोच रहा होता है कि कैसे जो है वो मैं अपने घोड़े को बचाऊं, और ये सोचकर वो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगता है कि अब घोड़ा तो बूढ़ा हो चुका है और उसको जो है वो अब इतनी ज्यादा कोई उसकी खास जो है वो जरूरत भी नहीं रही है, काम का भी नहीं रहा है, चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और गड़े को एक दिन आखिरकार भरना ही होगा, तो हम जो है वो गड़े को जो है वो किसी ना किसी तरह भरते हैं। इस काम के लिए वो सपोर्ट लेता है और अपने पड़ोसियों की को बुलाता है और वो लोग सब मिलकर, किसी के हाथ में बेलचा था, किसी मट्टी बजरा बजरी कूड़ा करकट ये लोग गड़े में डालते जा रहे थे, और घोड़ा इस सूरत हाल से बहुत परेशान, उसने तेज तेज आवाजें निकालना शुरू कर दी थी, और अब कुछ आवाजें निकालने के बाद जो है वो थोड़ा सा खामोश हो गया था। अब क्या सिनेरियो आपके सामने आगे बन रहा है कि घोड़ा जो है वो स्टक हुआ हुआ है गड्ढे में और उसके ऊपर लोग मट्टी और बजरी डाल रहे हैं, तो आगे क्या सिनेरियो हमारे पास बना होगा कि हम ये देखें कि घोड़ा जो है वो आगे क्या करता है। जी जरूर, घोड़ा परेशान हुआ होगा क्या इस सिचुएशन से? बिल्कुल, घोड़ा परेशान भी हुआ होगा इस सिचुएशन से, और घोड़े ने जो है वो आवाजें भी निकाली। हाँ ठीक है, घोड़े ने किसी कोशिश भी करी। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसकी मदद नहीं कोई कर रहा था तो उसको वो किसी को पुकारने का भी उसको कोई फायदा नहीं लग रहा था। हुआ जब किसान ने झांका तो वो देखकर हैरान रह गया कि जैसे जैसे घोड़े के ऊपर मट्टी और कचरा फेंका जाता, यू वोंट बिलीव कि वो उसे झटक झटक कर अपने जिस्म से नीचे गिराता और फिर गिरी हुई मट्टी से जो है वो ऊपर आने का रास्ता बनाने लगता, और गिरी हुई मट्टी से वो काफी देर तक ऊपर आने का रास्ता बनाता रहा, और ये सिलसिला चलता रहा, और किसान और उनके सारे लोग जो है वो उससे जो है वो फायदा देखकर हैरान हो गए कि हम कचरा डालते जा रहे हैं उसके ऊपर, वो बदन से हटाकर ऊपर आता जा रहा है, और बड़ा हैरान हुए। देखिए, जिंदगी में हमारे साथ भी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि जिसमें हमारे ऊपर कोई जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई हमारी किरदार कुशी की जा रही होती है, या हमें कोई तानों का हम शिकार होते हैं, अपनी लोगों की गुफ्तगुएं हमें जो है वो रोक रही होती हैं, और हम अपने काम को फोकस होकर नहीं कर पा रहे होते, तो उन ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस गड़े से बचने का क्या तरीका इख्तियार करें। हम ये भी कर सकते हैं कि उन मुश्किलात में दब जाएं और अपना फोकस लूज कर जाएं
और हम उससे जो है वो दूर हट जाए अपने विजन से। और ये भी हो सकता है कि जो भी हमारे जिंदगी में मुश्किलात पेश आए वो पत्थरों की तरह तो हों, मगर ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन मुश्किलात को ओवरकम कर जाएं और अपने लिए आगे नए रास्ते, नए तरीके तलाश कर लें। हम ये देखते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी ऐसी वो 5 चीजें हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप लोग लिस्ट करें कि हमारी लाइफ में वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं कि जिसके जरिए से हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं या जो हमारे स्ट्रेसर्स कहलाते हैं, और इन स्ट्रेसर्स की नॉलेज होना हमें बड़ा जरूरी है। कौन से ऐसी वो 5 थिंग्स हैं? जाहिर है सिर्फ 5 नहीं होंगी, हो सकता है किसी की 10 भी हों, किसी की ज्यादा हों या किसी की कम हों। लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हमारे स्ट्रेस का बायस बन रही होती हैं? जी, स्टडी है, पीयर प्रेशर है, बिल्कुल फाइनेंशियल इश्यूज उसके अंदर आते हैं, किसी को रिलेशनशिप्स का प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा डेडलाइंस हों तो भी, और इसी तरह जी बच्चों की तरबियत भी और एग्जाम्स भी, और साथ साथ जो है वो जो डेली चोर्स होते हैं हमारे, वो उसमें बड़े वाले स्ट्रेसेस में हमारे एड ऑन करते चले जाते हैं ना, हमारा करियर, लोगों की बातें, बिल्कुल स्टडी लोड, ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ स्ट्रेसेस भी होते हैं। और हमारे एक बड़े मतलब इस हमारा जो विजन होता है फेलियर्स का और लाइफ में एक्सपोजर का, बिल्कुल पेंडेमिक ने जो सिचुएशन क्रिएट की है वो खुद भी एक बड़ा जो है वो स्ट्रेस का बायस होती है। कभी कभार लोग होते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं, और कभी कभार हमारे सिचुएशंस जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस होती हैं। कभी कभार जो है वो हमारे जिंदगी गुजारने का जो तर्ज अमल है और हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो भी खुद हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन रही होती है। आप देखिए, कुछ लोग बीमारियों की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, कुछ लोगों को ये स्ट्रेस होता है कि अभी हमारा अपना घर नहीं है, वी हैव टू मूव ऑन, और कुछ का ये स्ट्रेस होता है कि हम मूव तो हो गए हैं लेकिन हमें इससे बड़ी जगह चाहिए, और बच्चों की तरबियत भी कुछ का स्ट्रेस होती है, और लोगों का जजमेंटल होना भी जो है वो बड़ा स्ट्रेस का बायस होता है। अब देखिए कि इंशाल्लाह हम आज ये समझेंगे कि हम इन स्ट्रेसेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं और हम क्या करें कि ऐसा कि ये स्ट्रेसेस हमें तंग ना करें। स्ट्रेसेस जानना हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये GFK का सर्वे है जिसमें वो ये बताते हैं कि ओवरऑल वुमेन में 22 ममालिक में ये सर्वे किया गया, और वहां पर ये 5 बड़ी वजूहात बताई गई जो खवातीन में, सिर्फ और सिर्फ खवातीन में जो है वो स्ट्रेस का बायस होती हैं, और ये जो है वो उनके ऊपर स्ट्रेस है कि उनको फाइनेंस बजट जो है वो मैनेज करना होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है हर तरफ से सारे कामों को करने का, उनको उनको इनफ स्लीप नहीं मिल रही होती, नेगेटिव थॉट्स उनका प्रेशर होता है, एंड दे डोंट हैव टाइम और दे हैव मच वर्क टू डू, और उनकी अपनी हेल्थ भी जो है वो खुद उनके स्ट्रेस का बायस बन रही होती है। और ये जनरल है, ये ना सबके अंदर होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्यों है। ये स्ट्रेस जो है वो हम अगर देखें तो ये स्ट्रेस इसलिए होता है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस जो है वो 2 तरह का होता है, एक अच्छा होता है जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, और एक बुरा होता है जिसको हम डिस स्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस होता है, और डिस स्ट्रेस यानी अनहेल्दी स्ट्रेस होता है। अब कुछ स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर ही डेवलप हो रहे होते हैं, वो कंट्रोलेबल होते हैं, और कुछ स्ट्रेस जो है वो एक्सटीरियर इन्फ्लुएंसेस से आ रहे होते हैं और वो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। कुछ की रीजंस जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ के रीजंस जो है वो बड़े शॉर्ट टर्म से होते हैं। हम ये देखते हैं कि एक चीज जो मेरे लिए पर्सनली स्ट्रेस का बायस है
और वो आपके लिए स्ट्रेस का बायस नहीं होगी, यानी सिर्फ मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए, कुछ बच्चों की पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस में हैं, और कुछ जो है वो लोग इवन ड्राइविंग करते हुए भी जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और वो ड्राइव नहीं कर पाते। जबकि उसके बरक्स बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि जो अच्छे अच्छे जो है वो ट्रैफिक जैम वाले रोड्स में जो है वो बहुत स्मूथली ड्राइव करते हैं और उनको किसी भी चीज का जो है वो मसला नहीं होता। और वो कुछ के लिए देखिए डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं ना, अभी जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए स्टडी करना एक स्ट्रेस है, और जो लोग जो है वो स्टडी कर चुके हैं उनके लिए जॉब तलाश करना स्ट्रेस है, और जो जॉब तलाश कर चुके हैं उनके लिए शादी करना एक स्ट्रेस है। और तो हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो हर वक्त बुरा नहीं होता, स्ट्रेस जो है वो उसका एक एक पोर्शन तो बड़ा ही पॉजिटिव है, क्योंकि किसी भी टाइम को देखिए, अगर आप टाइमली करना चाहते हैं और अपने लिए आप डेडलाइन सेट करती हैं और आप ये कहती हैं कि मैंने आज के दिन में इस टाइम तक इस काम को डन करना है, तो ये बड़ा अहम है कि मैं खुद अपने लिए डेडलाइन तय करती हूँ, खुद मैं स्ट्रेस लेती हूँ और फिर उस स्ट्रेस को मैं कोप करते हुए उसे चैलेंजेस का जो है वो सामना करती हूँ, और वो चैलेंजेस जो है वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए बड़े अहम होते हैं। तो ये चैलेंजेस जो मैं अपने लिए खुद लेती हूँ वो किस तरह से मुझे हेल्प करते हैं, मुझे फोकस रखते हैं, ये यू स्ट्रेस कहलाता है, जो मुझे चैनलाइज रखता है, मोटिवेटेड रखता है कि मैं उसमें जो है वो अपना रोल प्ले कर सकूं, अपना सारा दिन के कामों को ले सकूं। इसको एक और मिसाल से समझिए कि जैसे किसी के घर में अल्लाह ना करे आग लगी है और वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, वो फौरी जो है वो कोशिश करते हैं कि उस आग को बुझाए, मोटिवेटेड होते हैं, रास्ते निकालते हैं, चैनलाइज करते हैं, तरकीबें सोचते हैं, और वो स्ट्रेस जो है वो उनको उन मुश्किल हालात से निकालने का जरिया बनता है। आपका स्ट्रेस आपको मोटिवेटेड रख रहा है, आप जो है वो उसको फोकस रह रहे हैं अपने काम में, चैनलाइज कर रहे हैं, आप अपने विजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस स्ट्रेस के जरिए, तब तक वो यू स्ट्रेस है, आपका परफॉर्मेंस का लेवल उसमें हाई रहेगा। लेकिन अगर आप जो है वो उस कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से कुछ रिएक्शंस आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाएं और उन रिएक्शंस की वजह से आप के नर्व्स टेंस हो जाएं और आप या तो मेंटल या फिजिकल या इमोशनल ओवरवर्क की वजह से आप मुसलसल, कुछ लोग बहस मुबाहिसे के माहौल में होते हैं तो वो आपको इरिटेट कर रहा होता है वो चीज, तो आप उसको फेस करते करते जो है वो आपका जहन मुतासिर होने लगता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्ट्रेस की वजह से आप बिलीव करेंगे, मैं खुद हैरान थी ये बात पढ़ कर, कि हमारा ब्रेन साइज, ब्रेन का फंक्शन और ब्रेन का स्ट्रक्चर तक इवन मुतासिर होने लगता है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन है जो लॉस ऑफ सिनैप्टिक कनेक्शन जो है नर्व्स का बना देता है, और ये जो है वो सिग्नल भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस में जो ब्रेन में होता है, वो कॉर्टिसोल को रिलीज करता है, जिसे CRH कहते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात इसलिए रख रही हूँ आपके सामने ताकि जो है वो हमें ये मालूम हो कि हम स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्या रिएक्शंस क्रिएट कर रहा होता है। देखिए ये कॉर्टिसोल जो है वो एक्टिवेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और वहां जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो है वो एड्रिनल कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे ACTH कहते हैं। इट देन स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज मोर कॉर्टिसोल इन द बॉडी, व्हिच इज द मेन कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड शुगर। अब आप देखिए कि आ, 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 हम अक्सर इस यहाँ तक बात फिनिश नहीं हो जाती, बल्कि जो है वो हम देखते हैं कि यही इसी सेम टाइम, एट द सेम टाइम न्यूरॉन्स जो होते हैं हाइपोथैलेमस में वो सिग्नल भेजते हैं एड्रेनल मेड्यूला को टू रिलीज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, दोज आर अगेन कॉजिंग डिस्ट्रेस इन आर बॉडी।
अब देखिए कि जितनी जो है वो डिजीजेस होती हैं, हम उनको अगर इवैल्यूएट करते हैं और डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या सजेस्ट करते हैं कि आप किसी चीज का स्ट्रेस ना लें, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो एसिडिटी हो, इरिटेबिलिटी हो। ये सारी चीजें जो है वो हमें हमारे बॉडी में जो है वो स्ट्रेस की वजह से एग्रेवेट होने लगती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम मुतासर होने लगता है, हमारे खून का दबाव बढ़ जाता है, सांस तेज तेज हो जाती है, कुछ लोगों के हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं, आप लेट डाउन फील करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो देखिए COVID-19 का शिकार ही सिर्फ स्ट्रेस लेने की वजह से हुए। तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ रिसर्चेस ये बताती हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमारे डीएनए की फॉर्मेशन तक डिस्टर्ब कर देता है। और रैट्स पर जो रिसर्चेस की गई उनमें ये बताया गया कि ये स्ट्रेस ऐसी चीज है जो नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल भी होता है। तो इसमें हमारे इनहेरिटेंस का भी बड़ा ताल्लुक होता है कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं और कितना हम कोप अप कर जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम आज ये जितनी डिजीजेस आपके सामने आ रही हैं इनकी बेसिक रूट वजह जो है वो स्ट्रेस होती है, जो शुरू में जो है वो एक आम सा स्ट्रेस होती है, लेकिन फिर उसके लेवल्स जब बढ़ते हैं तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जो है वो जाने लगती है। अब एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत आगे की चीजें हैं, तो हम ये देखते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों बना ये ना, तो हम उससे पहले जो है वो उस पर काबू पा सकते हैं, जबकि अभी स्ट्रेस जो है वो हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल पर नहीं गया है। अब देखिए जहां हमारे ये बॉडी फंक्शंस को मुतासिर करता है स्ट्रेस, वहीं पर जो है वो हमारे जहन में जो हमारे फैसला करने की सलाहियत है उसको भी मुतासिर करने लगता है और हमारी चॉइसेस बिगड़ने लगती हैं। कितना आसान होता है ना कि जब इंसान स्ट्रेस से निकलने के लिए एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेता है और कहते हैं मैं बस इसको खाए चला जाऊं। न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि मुसलसल स्ट्रेस में रहने की वजह से हमारे न्यूरल पाथवेज डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिससे हमारी जिंदगी में फैसला करने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। आपके सामने ये पिक्चर आ रही है, इसको बहुत मुश्किल नहीं है समझना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हाई कॉस्ट हाई रिवॉर्ड होती हैं, जिसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट भी ज्यादा लगती है और जिसमें जो है वो आपकी सलाहियतें भी ज्यादा लगती हैं और आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है। और कुछ हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो लो कॉस्ट और लो रिवॉर्ड एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हमारा कोई टाइम नहीं लगता और हमें उससे नतीजे भी कुछ नहीं मिलते। अब इसकी मिसाल से आप समझिए कि जैसे कोई स्ट्रेस में आता है और उस स्ट्रेस में आने की वजह से वो एक्सरसाइज को छोड़कर वो डेजर्ट बाउल लेता है और अपने स्ट्रेस को निकालने के लिए वो कोशिश करता है, या वो डीप थिंकिंग के बजाय जो है वो उसको निकालने के लिए वो थिंकिंग ऑन सरफेस करने लगता है, वो सिर्फ सरफेस पर सोचने लगता है। और हम ये देखते हैं कि इसको एक और मिसाल से समझ लीजिए कि कितना आसान है कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक बच्चे की गलत हरकत पर हम स्ट्रेस में आकर उसको समझाने के बजाय फौरन स्नप करना शुरू कर दें, हम डांटने लग जाएं उसको। ये लो कॉस्ट लो रिवॉर्ड एक्टिविटी है, यानी स्नबिंग कर दिया अपने चाइल्ड को, जबकि दूसरी तरफ उसको टाइम देना, उसको रीजनिंग देना, उसको ये बताना कि इस बेटा इस काम के ये फायदे हैं और ये नताइज हैं। तो हम ये देखें कि कौन सी एक्टिविटी हम चूज कर रहे हैं। देखिए टफ सिचुएशंस जब आती हैं तो उनको डील करने के बजाय हम उसको अवॉइड करने लगते हैं ना, यही हमारी जो है वो प्रेफरेंसेस मुतासिर कर रही होती हैं और यही हमारी चॉइसेस। जब लो कॉस्ट और लो रिवॉर्ड हो जाती हैं तो हमारी जिंदगी की क्वालिटी जो है वो मुतासिर होने लगती है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी इसलिए मुतासिर होने लगती है क्योंकि हम लो कॉस्ट लो रिवॉर्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब इसकी छोटी सी मिसाल और समझिए। देखिए अगर आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्राइसिस की वजह से स्ट्रेस में हैं, तो
तो इस स्ट्रेस से निकलने के दो तरीके मैं आपको बताती हूँ, दो चॉइसेस हैं ए और बी। ए में ये करता है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रेस से निकलने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता है, टीवी पर वक्त गुजारता है ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। ठीक है, एक तरीका ये भी है, ये ए है। और बी तरीका ये है कि आप अपना बजट बनाते हैं, अपने अखराजात प्लान करते हैं, नए मौके कमाने के सोचकर बेहतर तरीके से स्ट्रेस से निकलते हैं। तो कौन सा हाई कॉस्ट हाई रिवॉर्ड है, कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है और कौन सा लो कॉस्ट लो रिवॉर्ड है? आप देखिए जी, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो बेहतर है, उसके अंदर एनर्जी भी लग रही है, उसके अंदर आप चैनलाइज्ड हैं, फोकस्ड हैं, आप मोटिवेटेड रहते हैं, आप लूज नहीं करते अपनी कॉन्सेंट्रेशन और आप उस काम को बेहतर तरीके से उस स्ट्रेस से निकल जाते हैं। अब देखिए कि जहां पर ये बात है कि हम उन स्ट्रेसेस से निकलने के लिए जिंदगी में कई सिचुएशंस आती हैं ना, जो सिर्फ 10% होती हैं, बाकी 90% हमारे ऑटोमेटिक थॉट से होते हुए हमारे रिएक्शंस होते हैं। 10% सिचुएशंस होती है और 90% हमारा रिएक्शन होता है। इन सिचुएशन को फेस करना होता है, हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, रिएक्ट नहीं करना होता। रिएक्ट करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम ना रिस्पॉन्ड करें और ना रिएक्ट करें और विड्रॉल और अवॉइडेंस वाली कैफियत में आ जाएं और मुसलसल उसको अवॉइड करते रहें, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? वो काम हमको क्या नहीं करना पड़ेगा? करना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन कब तक? आखिरकार हमको उस काम के ना करने का स्ट्रेस होने लगेगा और हम परेशान हो जाएंगे, हम सिचुएशन को फेस करने का हमारे अंदर स्टैमिना भी लूज होता चला जाएगा, ये डिसस्ट्रेस की तरफ चले गए हम। अब देखिए कि फी सबमिशन की आखिरी डेट होती है और एक तरफ आपके हस्बैंड है और एक तरफ आप हैं, आपको टेंशन हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि फीस सबमिट करने की आखिरी डेट आ गई है और वो आराम से अपना चाय का कप पी रहे हैं, तो बताइए कौन सही है? जी, कोई सही या गलत नहीं है, बात यह है कि स्ट्रेस लेना या ना लेना ये हमारे अपने हाथ में होता है। जैसे हम बच्चे के साथ रीजनिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, हम अवॉइड कर रहे हैं, तो हम सिचुएशन को फेस करें और हम अपने स्ट्रेस से निकलने के लिए हम रास्ता तलाश करें। हम ये ना सोचें कि लॉन्ग टर्म कोई बुरा इम्पैक्ट सोचकर कि जैसे फीस अगर सबमिट ना हुई तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म मैं बुरा सोच रही हूँ अपने जहन में और मैं स्ट्रेस में आ रही हूँ, स्ट्रेस का शिकार हो रही हूँ और फिर मैं उस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही। अब देखिए, जब मैं सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल नहीं करती तो मैं लो कॉस्ट लो रिवॉर्ड एक्टिविटीज की तरफ चली जाती हूँ और मेरी लाइफ की क्वालिटी मुतासिर होने लगती है। तो आप कोशिश हमें ये करनी है कि हमने उन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है जो हमें हमारे स्ट्रेस से डील करने की सलाहियत हमसे छीन लेती हैं। तो ये ऑटोमेटिक थॉट्स जिंदगी के, आप सोचिए ना, सोच क्या जो है वो जिंदगी के बनाव और बिगाड़ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा नाकामी होंगे या हम जो है वो नाकामी का खौफ अपने ऊपर हावी करके कामयाबी के लिए कोशिश भी ना करें और शुरू से ही परेशान होना शुरू हो जाएं और ट्राई भी ना करें, अटेम्प्ट भी ना करें और उसको डिले करते रहें कि जब मुश्किल आएगी तो देखा जाएगा। नहीं, कामयाबी और नाकामी तो जिंदगियों का हिस्सा है। कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, हम लिस्ट बनाएं अपनी सक्सेसेस की कि हमने जिंदगी में अब तक क्या क्या अचीव किया। हम ये लिस्ट बनाएं कि हम कैसे अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो आज के दौर में हम इन हालात में रहते हुए अपनाएं तो हम अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हैं। अब देखिए कि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर हमें उसके लिए आगे मजीद वर्किंग करने की लिए गुंजाइश बनेगी। छोटी सी, अगर आप जो है वो अपने जहन में कोई छोटा सा टारगेट सोच लीजिए, कोई जहन में छोटा सा टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर आप वर्किंग करें अपने जहन में,
सोचें उसको जहन में लेकर आए। मसलन इम्तिहानों में कामयाबी की बात है, आप उसका मजबूत सोचें। बेशक पेंडेमिक है, बेशक ट्यूशन नहीं है, बेशक ऑनलाइन स्टडी है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगी और अपनी शॉर्टकमिंग्स पर जो है वो काबू पाऊंगी और मैं जो है वो उसमें अपने आप को अलर्ट रखूंगी और मैं जो है वो मेहनत करूंगी, स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, आप ये सारी चीजें सोचकर अपने मर्जी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिलेगा, हम अपने आप को फोकस कर सकेंगे और मंजिल सामने रखते हुए हम अपने आप को मजीद मेहनत करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। घर वाले खुश हो रहे हैं, पार्टी हो रही है, सोशल मीडिया पर हम हमें स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, तो ये फायदे जब हम अपने जहन में लेकर आते हैं, अपनी मंजिल को, अपने टास्क को जहन में रखते हैं, तो फिर ये चीज जो है वो हमारे लिए आसान हो जाती है और हम अपनी मुश्किल से निकलने के तरीके भी जहन में लेकर आने लगते हैं, हमारी लिस्ट ऑफ सक्सेस तैयार होने लगती है और हम उस सक्सेस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए कि स्ट्रेस जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हम क्या उस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से डिसअपीयर कर सकते हैं? आप सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई दिन ऐसा मेरे साथ गुजरे कि जिसमें मुझे किसी की चीज का भी स्ट्रेस ना हो? इम्पॉसिबल जी, बिल्कुल। देखिए स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, हम इसको अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, हमारी जिंदगी खुद एक इम्तिहान है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए चैलेंज रखा है और हम जो है वो उसको, उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो। कभी टेस्टफुल लोग हमारे साथ आएंगे, कभी टेस्टफुल सिचुएशंस हमें डिस्टर्ब करेंगी, तो हम फिर उन क्या हम रखें, हम अल्लाह ताला को के इन वादों का हम यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वलब नब्लुवन्नकुम, कि अलबत्ता हम तुम्हें जरूर बिल जरूर आजमाएंगे, बिशयइन मिन वाली आयत कि जिसका तर्जुमा ये है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ में से, भूख में से, और वलजूई वलखौफी व नक्सिम मिनल अम्वाल, और माल के कुछ नुकसान में से। इस आयत में दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि जिसमें बिशई इन के अल्फाज भी हैं यानी थोड़ा सा उसमें से, और मिन के अल्फाज भी हैं यानी मजीद उसमें से थोड़ा सा। यानी आज हम इन सारी ही चीजों को फेस कर रहे हैं कि हम खौफ का भी शिकार हैं, हम भूख का भी शिकार हैं, हमारे जिसका जितना सरमाया है उस हिसाब से उसको उससे नुकसान भी जो है वो पेश हो रहा है, और इसको बेशक डिफिकल्ट है फेस करना, लेकिन हम क्या इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम इसलिए हम ये ना सोचें कि ऐसा ना होता तो बेहतर होता, बल्कि हम ये कोशिश करें, ये दुआ भी करें, हम ये सोचें कि किस तरह से हम अल्लाह ताला हमें इतना स्किलफुल बना दे, अल्लाह ताला हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, इतना स्किलफुल बना दे कि हम इन चैलेंजेस को फेस कर सकें, हम इन चैलेंजेस को फेस करके इनसे निकलने की सलाहियत पैदा करते रहें। वाकई ये शायद से जो है वो जहनी सुकून हमें मिलता है कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिकमत दे दें कि हम अपने इन चैलेंजेस से निकल आए। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स, डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर विजडम। अब देखिए कि ये हिकमत, ये सलाहियतें अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं, तो वहीं पर हमें जो है वो उन सलाहियतों के लिए कोशिश भी करनी होगी। अब देखिए स्ट्रेस से जरिए से होता क्या है, स्ट्रेस जो है वो हमारे ग्रोथ का हिस्सा है। आप देखिए कि स्ट्रेस ग्रोथ का जरिया है, कोल डायमंड में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, प्रेशर के जरिए से ऑलिव्स कैसे प्रेस होते हैं, उसके बाद जो कुछ मिलता है वो कितना बेस्ट होता है। एक माँ अपने बच्चे को बर्थ देती है, किस तरह फूलों से खुशबू
निकाली जाती है, किस तरह से जो है वो सारा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो सारी ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होकर हमारे सामने आती है। तो हमारी आजमाइशें, हमारे ऊपर आने वाले स्ट्रेस हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए जिंदगी में नए मौके तलाश करने का जरिया है। और हम इन स्ट्रेस से नाशुक्री के बजाय हम अपने आप को ये देखें कि हम कैसे जो है वो न्यू आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द बिगनिंग ऑफ अ डिफरेंट लाइफ। वी कैन ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम हमेशा अपने आप को स्ट्रेस से लिबरेट करके, अपने सोचने के जाविये बढ़ाकर बहुत सारे नए मौकों को हम पा सकते हैं, और उन मौकों के जरिए से हम अपने स्ट्रेस को लिबरेट कर सकते हैं। फिर हमारा ये तकदीर पर ईमान हमारा बड़ा हेल्पफुल है इन सारे उसमें। ये हमें कंटेंटमेंट देगा, ये हमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड देगा, ये हमें साइकोलॉजिकली स्टेबल करता है कि ये 100% बिलीव कि जो कुछ भी मुझे मिला है वो बेस्ट फॉर्म में मिला है, और जो अभी तक नहीं मिल सका उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है, और उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। आप ये देखिए कि हम ये भी सोचें कि हम अकेले नहीं हैं इस सारे स्ट्रेस में, ना हम अकेले नहीं है जो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं, हम अकेले नहीं है जो बच्चों की पढ़ाई की वजह से परेशान हैं, लेकिन हम इन सारी सिचुएशन में इस बिलीफ के जरिए से बहुत अच्छी तरह निकल सकते हैं। अल्लाह के जिक्र के साथ, अल्लाह के वादा है कि अल्लाह के जो बंदे बनेंगे उनको ना खौफ होगा और ना गम होगा। आप देखिए कि डोंट थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम्स दैट दे आर बिग, रादर यू थिंक कि अल्लाह ताला इज अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें इस सारे प्रॉब्लम्स से भी निकालेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटजीज रख रही हूँ कि जिसके जरिए से हम साइकोलॉजिकली स्टेबल रह सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज जो हमारे स्ट्रेसेस को पुट ऑफ रखेंगी और हमें जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगी। फर्स्ट स्ट्रेटजी है ब्रीदिंग की। आप देखिए कि जमीन के किसी खत्ते पर हूं, ये चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इजी है, विदाउट इक्विपमेंट आप इसको अपना सकते हैं, और किसी भी वक्त कहीं पर भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो आप सब जो है वो खड़े हो जाएं और अपने सीने पर और अपने पेट पर हाथ रखें, और गहरा सांस लेते हुए अपने फिंगर्स पर काउंट करें। नाक से आपने सांस लेना है, फिंगर्स पर काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5। अब इस सांस को अपनी बॉडी के अंदर रोक लीजिए, काउंट कीजिए 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। और अब एक्सहेल करिए नोज के जरिए से। अल्लाह ताला ने नोस्ट्रल्स दी हैं हमें एक्सहेल और इनहेल करने के लिए। मुंह से सांस लेना एडवाइजेबल नहीं होता, नाक से सांस लीजिए और अपने फेफड़ों से सांस लीजिए। कोशिश करें कि आपका पेट इन्वॉल्व ना हो। हम जब सांस ले रहे होते हैं तो आमतौर पर हम अपने पेट को हिला रहे होते हैं। पेट पर और चेस्ट पर आपको हाथ इसलिए रखवाया गया था आके आपको जो है वो नॉस्ट्रल में से सांस लेने की कैफियत जो है वो आपको फील हो। अब देखिए कि ये प्रैक्टिस जब आप 5 दफा दिन में करेंगे तो रिसर्चेस बताती हैं कि आपके स्ट्रेसेस रिलीज होंगे, आपके रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बॉडी टॉक्सिन्स निकलेंगे, और आप इस तरीके को आजमा कर देखिए। एंड दिस इज नो वे फार फ्रॉम आवर सुन्ना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो है वो हमें इसी तरह की कैफियत मिलती है सांस लेने की। वी कैन चेंज आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस बाय ऑल आवर ब्रीदिंग। सिर्फ सांस लेने की टेक्निक से आप अपने स्ट्रेसेस को रिलीज कर सकते हैं,
आप रिलैक्स हो सकते हैं, आप बेहतर तौर पर अपनी सिचुएशन से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है होप की। अब देखिए कि ये होप क्या करती है, इट सीज द इनविजिबल, इट फील्स द इनटेंजिबल एंड इट अचीव्स द इम्पॉसिबल। मोमिन तो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और यही उम्मीद इंसान को बड़े बड़े काम करवाती है। आप देखिए कि जो लोग शैतान के हटकंदों में आ जाते हैं वो मायूस हो जाते हैं, मोमिन कभी अपने हालात से मायूस नहीं होता। और ये उम्मीद जब तक आपके अंदर जिंदा रहेगी तब तक जो है वो आपका ईमान आपको इन स्ट्रेसेस से निकाल सकेगा। यस, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि 15 इयर्स हो गए उनको सेम सिचुएशन में, 18 इयर्स हो गए उनको सेम सिचुएशन में, तो वो क्या करें। ऐसे हालात में उम्मीद टूटने लगती है और ये जेन्युइन है ना, कि होप जो है वो एक हद तक साथ देती है, इंसान जो है वो फिर दोबारा स्ट्रेस में आने लगता है। उम्मीद से आगे हमारे पास है फेथ, वो यकीन, वो बिलीफ कि इफ गॉड कैन टर्न नाइट इनटू डे, ही कैन टर्न अ बर्डन इनटू ब्लेसिंग। हमारे मसाइल वसाइल में बदल जाएंगे, ये हमें यकीन हो कि जो रब अला कुल्ली शयइन कदीर है, जिसकी उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल हैं, वो अल्लाह ताला लोगों के दिल बदलने पर कादिर है। तो हो सकता है कि आपको लोगों की वजह से स्ट्रेस हो रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आपका एटीट्यूड तो बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन लोगों का रवैया आपके साथ सही नहीं होता। तो दुआ करें, कनेक्ट हुए अपने रब के साथ, दुआ करें। और कनेक्शन का बेस्ट सोर्स क्या है, वस्ताइनु बिसबरी वस्सला, अल्लाह से मदद मांगो सबर और नमाज के जरिए से। और ये सबर जो है वो बड़ा गलत इंटरप्रेट किया जाता है जब इसे हम उर्दू का सबर ले लेते हैं और वेट करने के मायनों में लेते हैं। सबर क्या है, सबर इज अनदर स्ट्रेटजी ऑफ आर कंट्रोलिंग आर स्ट्रेस। इट्स अ नेम, सबर नाम है एक्ट विद प्रायोरिटी का, मनफी सोचों को कंट्रोल करने का नाम है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इस वजह से हो रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं लेकिन हम बगैर सोचे समझे काम कर रहे होते हैं। और कुछ बाज औकात ऐसा हो जाता है कि हम काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ सोचों का एक पहाड़ होता है जो हमारे सामने खड़ा होता है और हम जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होते। तो हमें अपनी क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने के लिए अपने एक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी तरजीहात को सामने रखते हुए कदम उठाना है। और फिर अगर तरजीहात को सामने रखते हुए हम कदम उठा रहे थे और हमने मनफी सोचों को भी कंट्रोल कर लिया था लेकिन कोई लाइफ अनसर्टेनिटी आ गई, अब क्या करेंगे, लाइफ अनसर्टेनिटी कैसे फेस करेंगे। तो लाइफ अनसर्टेनिटी फेस करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें टूल दिया है माइंडफुलनेस का। ये कोई नई टर्म नहीं है जिसको आज साइकोलॉजी जो है वो रीगेन कर रही है, बल्कि माइंडफुलनेस की बेस्ट एक्सरसाइज तो हमारी अपनी नमाज है, वस्ताइनु बिसबरी वस्सला। ये नमाज हमारी माइंडफुलनेस सिखाती है। हमारा दीन कितना माइंडफुलनेस सिखाता है कि हमें कहा गया खाने के वक्त भी हम जो है वो खबरें ना देखें, हम जो है वो फोकस रहें, हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। नमाज के वक्त हम सारी थॉट्स को पीछे छोड़ दें, माइंडफुल रहकर नमाज पढ़ रहे हों हम। ये माइंडफुलनेस की स्ट्रेटजी हमारी नेगेटिव थॉट्स को भी कंट्रोल करेगी और हमारे स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगी। और फिर जब मैं अपने माइंडसेट को प्रेजेंस में लेकर आऊंगी, ये पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव फैसले कराएगा। अब हमें कौन से एक्शंस लेने होंगे कि जिसकी वजह से हम प्रायोरिटाइज रहें, ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी कि हम कैसे कैसे जो है वो अपने आप को प्रायोरिटाइज रखें। देखिए कोई भी दिन आप बगैर प्लानिंग के स्टार्ट ना करें। जब हम बगैर प्लानिंग के डे स्टार्ट करते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेसेस ओवरलोड होने लगते हैं, हम जो है वो मुतासिर होने लगता है, हमारी प्रायोरिटीज जो है वो मुतासिर हो जाती हैं। हम प्लान कर जाते हैं, टाइम्स हम फॉलो अप नहीं कर पाते,
हम टाइम को जाया कर जाते हैं। तो हम ये देखें कि तरजीहात क्या हो हमारी, सही वक्त पर सही काम जब तक हम नहीं करेंगे हम मुसलसल सुस्ती और काहली का शिकार रहेंगे और वो चीज हमारे स्ट्रेसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करती चली जाएगी। किसी काम को भी अगर आपको करना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें कि उनको छोटे छोटे कामों में ब्रेक डाउन कर लें, लिस्ट बना लें, उस टास्क के साथ अपनी कमिटमेंट जारी रखें, ऐसे साथी तलाश करें जो आपको आपकी डेडलाइन सेट करने में हेल्प करें, और सुबह का वक्त तो बिलीव करें कि इन तमाम कामों के लिए बेस्ट है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं। और बेहतरीन टेक्निक क्या है, ईट एन एलिफेंट बीटल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, यानी कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम आपको लगता है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है, जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा, आप 10 कामों की लिस्ट बनाएं और उनको प्रायोरिटाइज करें कि कौन से काम आपको आपके गोल की तरफ ले जाने हैं, और उन 2 कामों को आप पहले ही डन कर जाएं। वो स्टोन एक्टिविटी कराते हैं जब हम लाइव वर्कशॉप कर रहे होते हैं कि बड़े बड़े पत्थर हैं और छोटे छोटे पत्थर, फिर उससे छोटे और फिर मट्टी है, आपने एक पॉट में जमा करनी है। तो अगर आपने जो है वो पहले ही मट्टी डाल दी तो फिर आखिर में बड़े पत्थर रह जाएंगे, इम्पोर्टेंट टास्क रह जाएंगे। तो इसी तरह पहले इम्पोर्टेंट टास्क को डन करें और फिर उसके बाद जो है वो आप फिर अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने में हेल्पफुल कर सकती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने सोशल रहें, देखिए स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी तन्हाई पसंद हो जाते हैं, और ये तन्हाई जो है वो उनको मजीद स्ट्रेस का बायस बनने लगती है उनके लिए, और वो स्ट्रेस का शिकार होने लगते हैं, स्ट्रेस उनका एनिमी बन जाता है। अब अमेरिका में रिसर्च हुई और उसमें ये बताया गया कि 43% मोर रेट होता है उन लोगों का जो अपनी लाइफ स्ट्रेस में गुजारते हैं। साथ ही यही रेट उन लोगों का भी है जो ये समझते हैं कि स्ट्रेस तो उनका एनिमी है, और बस अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है और अब मुझे एंजाइटी हो जाएगी और अब मुझे एसिडिटी हो जाएगी, और वो उसके नुकसानात सोचकर जो है वो मजीद स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो आपने स्ट्रेस को के साथ सोशल होना है, आपने स्ट्रेस की केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा टेक्निकल बात मैं यहाँ पे रखूंगी, इंशाल्लाह आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी कि देखिए ये स्ट्रेस जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये आपके अपने बिलीफ के ऊपर है। एंड योर बॉडी बिलीव्स यू, योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स बिकम हेल्दियर। जब आप अपनी बॉडी को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, आपका स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो कई तरह रिलीज होता है, स्ट्रेस में भी रिलीज होता है। जब आप कोई अपने फ्रेंड को मैसेज करते हैं और वो मैसेज बैक मिलता है, आप किसी को हग करते हैं, आप आपके आपको जो है वो स्ट्रेंथन रिलेशनशिप करता है, इट एनहांसेस योर एम्पैथी, आपकी हमदर्दी को बढ़ाता है, इट पाउंड्स यू टू डू थिंग्स दैट स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, इट फाइन ट्यून्स योर ब्रेन, और ये ऑक्सीटॉक्सिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जिसकी वजह से हम सोशल हो जाते हैं। स्ट्रेस में देखिए क्या चाहिए होता है कि इंसान को, बस कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएं कि जिनसे वो कैथारसिस कर जाए, और बाज़ औक़ात सिर्फ शेयरिंग करने से आपके गम हल्के होने लगते हैं। आप जो है वो बस इस बात की अश्योरिटी रखें कि आपके इर्द गिर्द बड़े पॉजिटिव लोग होने चाहिए जो आपको इस शेयरिंग का फायदा दे सकें, आपको उल्टा नुकसान ना हो अपने स्ट्रेस को शेयर करने का। अब देखिए कि ये ऑक्सीटॉक्सिन को हमने अपना फ्रेंड बनाना है, ये ऑक्सीटॉक्सिन का जो रिलीज हुआ है ये आपको सोशल भी बना सकता है। आप लोगों से मिलें, लोगों की मदद करें, जब आप लोगों की मदद करते हैं और आपकी बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, और इस ऑक्सीटॉक्सिन के जरिए से ही ये ह्यूमन मैकेनिज्म है, इट हेल्प्स हार्ट टू रीजेनरेट सेल्स। अब सोचिए हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है ये। तो स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इसको एक बड़ा कोई अपने लिए एनिमी बना लें, लेट्स मेक स्ट्रेस आवर फ्रेंड, और हम इसके यू स्ट्रेस के जरिए से हम जो है वो हम अपनी एक
स्किल डेवलप करें कि इसके जरिए से हमने कैसे जो है वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी है कि हम लोगों से इंटरैक्ट मजीद करने लगें, मजीद एक दूसरे की हेल्प करें, हम मजीद जो है वो सोशल हो जाएं। फिर एक और स्ट्रेटजी है हमारे पास स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, हमारी डाइट और हमारी न्यूट्रिशन। क्या मैं आपसे एक सवाल करूंगी, बताइए मुझे कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी स्ट्रेस हुआ है लाइफ में? जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह काफ में, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप तो अपनी जान को ऐसा लगता है कि हलाक ही कर डालेंगे, और आपका स्ट्रेस था जब आपके लोग दीन की तरफ उस तरह नहीं आ रहे थे जिस तरह आप बुलाना चाह रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, जब वही स्टॉप हो गई थी, सूरह ज़ुहा किन हालात में नाजिल हुई, वाकई पेशेंटली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसका मुकाबला किया। और हाँ बिल्कुल आपके ऊपर स्ट्रेस था, लेकिन आपके स्ट्रेस का रीजन बड़ा डिफरेंट था आज के हमारे स्ट्रेसेस से। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्ना फूड्स हमें बताए हैं, थोड़ी सी टेक्निकल बात हम इसमें रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना पसंद फरमाया। किसी फैमिली में गम हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि उनको घर तलबीना बनाकर भेजा जाए। अच्छा, ये तलबीना क्या है? इट्स अ फूड मेड अप ऑफ जौ एंड मिल्क। जौ का आटा या जौ का दलिया लेकर आपको उसको पानी में, दूध में पकाते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, इसको नमकीन भी खा सकते हैं। बहरहाल ये सुन्ना फूड है और एक हफ्ते गारंटीड मैं आपको बता रही हूँ, आई एम मास्टर्स इन न्यूट्रिशन और मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ कि ये एक हफ्ते आप लेंगी तो आप अपनी एनर्जी में बूस्ट फील करेंगी। इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में इसका कि फिर आप दोबारा दोबारा इसको याद करेंगी। देखिए, हमें मेंटली स्मार्ट रखना है, अपने आप को हेल्दी गट्स रखने हैं, और ये हेल्दी गट्स जो है वो सुन्ना फूड्स के जरिए से बहुत अच्छा मेंटेन हो सकते हैं। सुन्नत से हमें बगैर छने व आटे का इस्तेमाल मिलता है, और आज रिसर्च ये बताती है कि रिफाइंड कार्ब्स हो, रिफाइंड शुगर हो, इनकी वजह से स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है वो है गट्स, हमारी गट्स। और जब हम ये रिफाइंड कार्ब्स छोड़ देते हैं तो हमारी गट्स बहुत बेटर हो जाती हैं इम्यून सिस्टम में। फिर खजूर का इस्तेमाल, आप सोचिए कि कुछ यूथ हमारे सामने ऐसी होती है कि उनको इतना स्ट्रेस होता है कि वो सुसाइड की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। अब ये सुसाइड जो है वो उनके लिए क्यों बनती है, क्यों इतना स्ट्रेस उनको हो गया, क्या ऐसा हमें कोई मिसाल मिलती है? मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आयतें नाजिल होती हैं, उनको उनकी न्यूज के बाद इतना स्ट्रेस हुआ कि वो अकेले दरख्त के नीचे बैठी हैं और कहती हैं काश काश मैं इससे पहले भुला दी गई होती, नसियम मनसिया होती, काश मेरे ऊपर ये सिचुएशन पहले ना आई होती। यानी वो इंसान इतना डेस्परेट हो जाए अपनी सिचुएशन की वजह से, तो उस वक्त में उनको कौन सा फूड जो है वो दिया गया? खजूर का। जी, और सुन्नत से हमें पता चलता है कि जब हम खजूर को सोक करके ओवरनाइट रखते हैं तो खजूर के अंदर से जो मल्टी विटामिंस मिनरल्स होते हैं वो वाटर में रिलीज हो जाते हैं, एंड दैट आर मोर एब्जॉर्बेबल टू आवर बॉडी। आप महंगे से महंगे मल्टी विटामिन ले लीजिए, आप जो है वो इम्पोर्टेड मल्टी विटामिन ले लीजिए, बट दैट आर नॉट रेडली अवेलेबल। जो सुन्ना फूड्स में मल्टी विटामिन हमारी बॉडी को अवेलेबल होते हैं वो हमें जो है वो उस तरह नहीं मिलते। तो दूध के अंदर जो कैल्शियम मौजूद है वो हमारी बॉडी में रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूध के बारे में आता है कि इससे बेहतर कोई गिजा ही नहीं है।
आगे हम ये देखते हैं, खजूर हो गया, तलबीना हमने डिस्कस कर लिया, हमने रिफाइंड कार्ब्स और शुगर को अपनी डाइट में से निकाला, लो फैट कॉटेज चीज का इस्तेमाल कीजिए, नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी के अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आपकी डिजीजेस का रिस्क कम कर देते हैं, थियानाइन होता है जो आपकी बॉडी को काम कर देता है, और इसी तरह आप जब आप सुन्ना फूड के लिहाज से देखिए हमारे इर्द गिर्द जो है वो इंस्टेंट जो है वो हमारे आदत हो गई है फूड्स की, तो इंस्टेंट हम नूडल्स खाते हैं, इंस्टेंट हम जो है वो मसाले इस्तेमाल करते हैं, रेडीमेड चीजों का दौर है, इंस्टेंट दलिया इस्तेमाल करते हैं, हमें जो है वो इंस्टेंट वर्ल्ड से निकल कर हमें इन रेसिपीज और इन सुन्ना फूड्स की तरफ आना है अगर हमें आज के चैलेंजेस फेस करने हैं। तलबीना की रेसिपी बहुत आसान है, अगर आप उसको जौ के आटे को लेकर खूब ढेर सारे पानी में अच्छी तरह पका लें, फिर उसको कूल डाउन कर लें, और उसके बाद उसमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए, और फिर उसमें मिल्क डाल के भी ले सकते हैं, आप सूप डाल के भी ले सकते हैं, मीठा पसंद है तो शहद डाल के भी आप उसको ले सकते हैं, बेहतरीन गिजा है। अब गिजाई उससे आगे बढ़कर एक और स्ट्रेटजी आपके सामने डिस्कस करूंगी, ये स्ट्रेटजी है हेल्दी इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्किल। ये क्या है कि आपने अपने लिए वक्त जरूर निकालना है, वॉक करनी है, अपने गार्डनिंग करनी है, फितरत को देखने से हमारे सारे स्ट्रेसेस रिलीज हो जाते हैं। अब देखिए क्वालिटी टाइम आप नेचर के करीब गुजारिए, कलर थेरेपी में आसमान के रंग का बड़ा रोल है, गार्डन के कलर का बड़ा रोल है, ग्रीनरी के पास आप रहिए। कुछ लोगों को जो क्रॉनिक पेशेंट हो जाते हैं स्ट्रेस के, उनको टाइम स्पेंड करवाइए, गार्डनिंग करवाइए उनसे, उनको बाग में ले जाइए रोजाना। आप देखेंगे कि सुबह के वक्त खास तौर पर जब वो नेचर के करीब रहेंगे तो वो जरूर चिड़ियों की चहचहाट और उन आवाजों को और समंदर को और जो सुबह के वक्त को वो इंजॉय करेंगे, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने में बड़ी मदद करेंगी। इसके अलावा आपको जो हॉबी पसंद है और जिस हॉबी को हमारा दीन भी जो है वो साथ साथ इंडोर्स करता है, आप उसको जो है वो ले सकते हैं। वॉक हो गई, मेकिंग अ लिस्ट फॉर द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल, शुक्र का आपने लिस्ट बनाए, लिस्ट ऑफ शुक्र, रीफ्रेम करें अपने आप को, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, और अपनी एक्सरसाइज डेली किया करें, कुछ ड्राइंग कर लीजिए, कोई पसंद का खाना बना लीजिए, चाय बना के आप पी लीजिए, रिलैक्स होइए, मगर रिलैक्स मत रह जाइए, क्योंकि हमने रहना है फोकस्ड, हमने रहना है चैनलाइज्ड, हमने मोटिवेटेड रहना है, सारी जिंदगी सारा दिन हमने रिलैक्स्ड नहीं गुजारना। जो कुछ मैं हालात देख रही हूँ उसमें हम लोग स्पेयर टाइम पर बड़ा वक्त निकालते हैं, और ये मोबाइल जो है वो हमारा अच्छा खासा स्पेयर टाइम जो है वो ले लेते हैं। ये स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा हम रात के वक्त न्यूज के आसपास गुजारते हैं और नेगेटिव न्यूज हम सुनते रहते हैं, ये हमारे ब्रेन को मुतासिर करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है। तो बहुत कोशिश करें कि खास तौर पर सोने से पहले आप किसी किस्म की कोई न्यूज मत देखिए, आप किसी किस्म की कोई नेगेटिव थॉट्स अपने पास नहीं आने दीजिए, आप मोबाइल से हटकर अपने दिन को इवैल्यूएट करने में, अपने नेक्स्ट डे को प्लान करने में गुजारिए, इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हमने जो स्ट्रेटजीज अपनाई वो बहुत सारी थी, स्ट्रेटजीज में हमने कई तरह की डिस्कस की, जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी हर एक के साथ एक ही तरह रिस्पॉन्ड करे, बल्कि डिफरेंट तरह डिफरेंट लोगों को रिस्पॉन्ड करती है। तो आपको ये देखना होगा कि कौन सी स्ट्रेटजी स्ट्रेस की आपके साथ बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है। ब्रीदिंग टेक्निक हो गई, होप और उम्मीद हो गई, यकीन हो गया, टैकलिंग लाइफ अनसर्टेनिटीज हो गई, प्रायोरिटीज सेट करना हो गया, अपनी गिजाई तब्दीली करना उसके अंदर आ गया, अपना लेजर टाइम को प्लान करना उसके अंदर आ गया, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हमें अपने स्ट्रेस को बेटर तरीके से जो है वो
कोप अप करने में हमारी मदद करेंगी। और इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम जो है वो अपने सेशन का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ए अल्लाह आपने हमें जो कुछ दिया है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला फज़अलहु कुव्वतन ली फीमा तुहिब, अल्लाह ताला उसको हमारी कुव्वत का जरिया बना दे ताकि हम आपकी मोहब्बत तक पहुंच सकें। अल्लाहुम्मा मा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु, अल्लाह ताला जो कुछ आपने हमसे छीन लिया है जिससे हम मोहब्बत करते थे, फज़अलहु फराग़ल ली फीमा तुहिब, उसको अपनी हमें फरागत का जरिया बना दीजिए और हमें उस राहत हमें अता फरमाइए, जो कुछ अल्लाह ताला हमें आपने दिया है उसमें हमें बरकत अता फरमाइए, हमें हलाल तैयब रिस्क में बरकत अता फरमाइए, हमें इन तमाम स्ट्रेसेस से उठकर अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाने में मदद कीजिए। इन फितनों के दौर में हमें दज्जाल को पहचानने का हक और बातिल की पहचान अता फरमाइए। अल्लाह ताला हम सब से इन तमाम कोशिशों को कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।